So welcome to the JEE Advanced Problem 16. So, here what is the largest amount that cannot be paid using the notes of denomination of 5 and 7? So, here we have 5 and 7 ke par, rupees ke notes. So, we have to tell what is the largest amount which we can't pay with the note. So, here we know that 2 rupees, 3, 4, this type ki jo amount we can't pay because it is less than 5. और जैसे यहाँ पर 16 हो गया उस टाइप क्योंकि वो भी नहीं कर सकते 19 को अपन कर सकते हैं 27 के नोट प्लस 5 के नोट तो ऐसे ही अपन को लार्जेस्ट अमाउंट बताना है जो अपन नहीं कर सकते तो यहाँ पर सोचने की कोशिश करो तो मुझे जो मिला लार्जेस्ट अमाउंट वो 23 मिला 23 को अपन यहाँ पर नहीं कर सकते और उसके ऊपर अगर तुम देखोगे 24 तो 24 को मैं कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 7 के 2 नोट एंड 5 के यहाँ पे 2 नोट तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं और उसका अगर तुम कितना भी देखोगे तो तुम्हें मतलब मिल जाएगा जैसे मैं 55 देखूँ तो वो तो अपन को पता 5 मल्टीप्लाई बाई 11 यहाँ पे 99 देखें तो 7 के 7 नोट और 5 के 10 नोट तो इस तरीके से आगे कितना भी देखोगे तो तुम्हें मिल जाएगा तो जो सबसे बड़ा जो अमाउंट था वो 23 रुपीज था जो अपन 5 और 7 के नोट्स की मदद से हेल्प नहीं कर सकते वैसे मुझे इसका डिटेल सॉल्यूशन तो पता नहीं है क्या होगा क्या अप्रोच होनी चाहिए अगर तुम्हें मतलब इसका डिटेल सॉल्यूशन पता हो कि अपन मतलब ऐसे ये तो मैंने मतलब ऐसे सोच सोच करके कौन सा कर सकते हैं नहीं कर सकते उससे किया है लेकिन अगर तुम्हें प्रॉपर अप्रोच पता हो तो तुम मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में यहाँ पर इस तरीके से ये 23 रुपीज था जो मैक्सिमम अमाउंट था जो अपन पे नहीं कर सकते तो वहां से मतलब एक जो आंसर है जो मुझे मतलब समझ में नहीं आया मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो भी रुपीज होगा वो 5x+7y टाइप का होगा तो ये इस टाइप का जो अपने मतलब जो भी होंगे वो रुपीज होंगे तो यहाँ पर जो मैक्सिमम अमाउंट है वो अपन नहीं कर सकते वो ऐसे निकाला है यहाँ पर 5 × 7 − 5 − 7 लेकिन ये जो अप्रोच है मतलब समझ में नहीं आई मेरे तो अगर तुम्हें पता हो तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तो 23 इसका आंसर है तो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो लाइक करो सब्सक्राइब करो कोई क्वेरी हो तो भी पूछ सकते हो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।